देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली पुलिस के पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम हैं। ये दिल्ली पुलिस के लिए भी और भारत के लिए भी और दिल्ली शहर के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा इंतजाम के रूप में होता है। और जो खासकर जो प्लेस ऑफ फंक्शन का एरिया है कर्तव्य पथ, इसको जोन्स में बांटा गया है। और जो दिल्ली पुलिस के एक्सपीरियंस्ड अधिकारी हैं और उनके मातहत जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, इनको स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है विथ कई राउंड्स ऑफ ब्रीफिंग्स एंड डीब्रीफिंग्स के बाद। और जो जिस चीज़ पे जोर ये है कि बहुत सारे वीवीआईपीज़ आएंगे और इनवाइटीज़ हैं, जनरल पब्लिक है, स्पेशल इनवाइटीज हैं, इन सब का अच्छा फैसिलिटेशन हो, पोलाइट एंड कर्टियस तरीके से हो और सुरक्षा में भी किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए। और इसके अलावा जो पुलिस के अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो यहाँ काम करती हैं, तो उनका भी फैसिलिटेशन होना है, क्योंकि कुल मिलाकर जो ये हर्षोल्लास का वातावरण है और ये जो सेलिब्रेशन है गणतंत्र दिवस समारोह का, ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और एक बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी त्रुटि के और बिना किसी चूक के मनाया जा सके, तो ये फोकस रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुरक्षा की स्थिति और जो थ्रेट परसेप्शन है बहुत हाई डिग्री का है, और इस समारोह में, इस प्रोग्राम में जो पहले से स्टेटेड होता है, पहले से बतलाया हुआ होता है, तो उसका जो थ्रेट परसेप्शन है, उसका जो खतरा है, वो काफ़ी हाई डिग्री का होता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस की है, साथ ही सेंट्रल एजेंसीज हैं, और इसके अलावा भी बहुत तरह के इनपुट्स हैं और जो बहुत तरह की संस्थाएं और एजेंसीज जो काम करती हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन जो पिछले कई महीनों से लगातार आता रहा है, तो उस सब को भी अकाउंट फॉर करके जो सिक्योरिटी का एक पुख्ता इंतजाम किया गया है। जो भी नई चीजें, क्योंकि इस वर्ष बहुत तरह का नया थ्रेट एलिमेंट है, उन सब को भी ध्यान में रखकर ही हर अलग अलग जोन्स की अलग अलग तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी का, जिसमें के फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं इसमें, फिर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे हमारी राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति और तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और तमाम जो वीवीआईपीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स होते हैं, तो ये भी एक चैलेंज होता है दिल्ली पुलिस के लिए इकट्ठा, कि इतने सारे वीवीआईपीज भी हैं, बहुत तरह का जो थ्रेट परसेप्शन जो देश में पिछले कई महीनों से या जहां कहीं भी कुछ है, उसका रेमिफिकेशन भी है यहाँ पर। जो स्पेशल जो गेस्ट्स हैं, जो आम जनता है, उन लोगों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। जो बहुत तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और बहुत तरह की जो फैसिलिटेटिव एजेंसीज हैं या बहुत तरह का कल्चरल ट्रूप्स है, टैबलूज है, तमाम तरह का मूवमेंट है, जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स है, इनका मूवमेंट है, और एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो सबको ध्यान में रखकर एक समग्र, एक टोटल जो एक सिक्योरिटी का प्लानिंग करके उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि आज गणतंत्र दिवस समारोह का दिन है, हर्षोल्लास का समय है, तो इसमें जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली पुलिस को, कि उसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से, एक पेशेवर तरीके से बखूबी निभाएंगे। आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? आज गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई,
और जितने भी इनवाइटीज हैं या जो लोग भी इस तरफ आ रहे हैं उनसे हमारी हमारा रिक्वेस्ट होगा कि जो पुलिस की तरफ से जो हिदायत है और पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू किया गया है, या मौके पर जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां जो आपको कहा जाता है जिस तरह को उसको फॉलो करें, क्योंकि हमें क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो हमारा जो अल्टीमेट हमारा उद्देश्य ये है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना होने पाए और साथ ही आपको गणतंत्र दिवस समारोह को के लिए जब आप जा रहे हैं ये एक बहुत ही फैसिलिटेटिव तरीके से आपको देखने का मौका मिले, किसी भी तरह की असुविधा ना हो। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा एक जगह, लगभग 77-78 हजार के करीब की सीटिंग कैपेसिटी इस बार बढ़ी हुई है और इतने सारे लोग इकट्ठा एक जगह आएंगे, अगर सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं तो वहां पर ट्रैफिक की भी समस्या बढ़ जाती है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए कि जो कुल जो गाइडलाइंस या एडवाइजरीज जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इश्यूज की गई हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, आपको भी ना हो।